First of all, I want to tell you the with this video I give you homework of chapter second. Because chapter second के साथ आपको homework नहीं दिया गया था, तो आपको अब chapter third के साथ homework provide करूंगी. This is chapter three part one video. So there is no homework. So आपको जो मैं कल होमवर्क वीडियो के साथ दूंगी वो आपको चैप्टर सेकंड में करना है. आपको एक्सरसाइज पहले दी जा चुकी है, जो क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे आपको वो चैप्टर सेकंड में करना है. और ये चैप्टर थर्ड का पार्ट वन वीडियो है. तो बट मैं चैप्टर सेकंड थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अगर आपको याद हो या फिर से आपको मैं रिकॉल करती हूँ, आपका माइंड रिकॉल करेगा कि चैप्टर सेकंड जो था हमारा था चैप्टर अडॉप्टेशन, हैबिटेट एंड अडॉप्टेशन. तो थोड़ा सा हैबिटेट के बारे में बताती हूँ. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट उस नेचुरल क्लाइमेट, उस नेचुरल एटमोसफेयर को कहते हैं जहाँ कोई प्लांट या कोई एनिमल नेचुरली सर्वाइव करता है. और एडॉप्टेशन उस स्पेशल क्वालिटी को कहते हैं जो उस एनिमल द्वारा उस हैबिटेट में रहने के लिए डेवलप किए जाते हैं. इट मींस किसी भी एनिमल या प्लांट का नेचुरल क्लाइमेट या नेचुरल एटमॉस्फेयर उसका हैबिटेट कहलाता है. और उस हैबिटेट में रहने के लिए एनिमल या प्लांट कोई स्पेशल क्वालिटी डेवलप करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन. तो दिस इज चैप्टर थ्री. तो चैप्टर थ्री इज एनिमल एंड देयर यंग वंस. तो बच्चों, एनिमल्स और यंग वंस मींस एनिमल और उनके बच्चे. तो एनिमल जो एनिमल्स होते हैं, इस मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको एक बात बताई थी कि इस पृथ्वी पे एंटायर वर्ल्ड में दो ही स्पीसीज होती है, एक प्लांट एक एनिमल. हम सभी भी एनिमल स्पीसीज से ही बिलोंग करते हैं. मींस प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, और एनिमल्स जो भोजन के लिए प्लांट पर या अदर एनिमल पर डिपेंड करते हैं. दो ही स्पीसीज पूरे एंटायर वर्ल्ड में है. तो अभी हम यहाँ बात करेंगे एनिमल्स की, कि एनिमल्स और देयर यंग वंस मींस एनिमल्स उनके बच्चे. तो बच्चों, सबसे किसी भी एनिमल का एक ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो रिप्रोड्यूस करता है. चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, सब में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस कंपलसरी है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ही वो अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं. चाहे कोई प्लांट हो तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए उसमें बीज बनते हैं, उन बीजों को हम बोलते हैं तो नए प्लांट निकलते हैं. इस तरह से एनिमल्स में क्या है, कुछ एनिमल्स एग देते हैं, अंडे देते हैं, जिसको ले करने से वो उसमें नए बच्चे निकलते हैं. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बच्चे ही देते हैं. तो जो वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई एनिमल नए यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. एज यू नो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर एनिमल्स प्रोड्यूस सेम देयर यंग वंस सेम लाइक him, same like the past animal. तो animals are their young ones में देखिए, जैसे हमें यहाँ पर figures दिए हैं, ये देखिए अलग अलग जानवर है. तो इसमें कुछ birds है, कुछ animals है, कुछ चार पैर वाले हैं. तो ये सभी क्या है, सब accordingly कुछ इसमें बच्चे देते, जैसे कि हमारे जितने birds हैं या हमारे reptilias हैं या हमारे fishes हैं, ये सभी अंडे देती हैं. इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे मेढक फ्रॉग्स हैं, ये सभी अंडे देते हैं. और हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो काऊ है, कैट है और डॉग है, ये सभी क्या है, बच्चे देते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग देने वाले उनकी. पहले हम एग का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि एग देने वाले नहीं. इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी जानवर के बाहरी स्ट्रक्चर को देखकर पहचान सकते हैं कि ये जानवर अंडे देगा या बच्चे. तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, आई मीन थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, कि आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जो जानवर हैं, जिनके ये जो हमारे बाहरी कान हैं, ये जो बाहरी कान है, आउटर ईयर, ये बच्चों उनके नहीं होते हैं. तो लेकिन वो सुनते हैं, बहरे तो नहीं, जैसे हमारे जितनी बर्ड्स हैं उनके आउटर ईयर नहीं होते हैं, लेकिन वो सुनते हैं. तो मैं आपको एक
बात अभी बताती हूँ, ये जो हमारे आउटर ईयर से बाहरी कान है ये हमें सुनने में सहायता बिल्कुल नहीं करते, हम इन कानों से नहीं सुनते। अगर हमारे ये आउटर ईयर यहाँ से काट दिए जाएं तो हमारा जो हमें तब भी सुनाई देगा, क्योंकि सुनने के लिए हमारे ये जो होल बना है तो इस होल के द्वारा अंदर जो है इनर ईयर है, अंदर जो हमारा आंतरिक कान है उससे हम सुनते हैं। आंतरिक कान में एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है या पर्दा कह सकते हैं, तो उसमें जब बाहर से कोई बोलता है तो उसमें जो हमारा साउंड वेव है वो टकराती है, तो उससे हम आवाज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बाहरी कान जो वो हमारे ऊपर कोई हमारे हेड को बैलेंस करने के लिए, हमारे हेड को सीधा खड़ा करने के लिए संतुलन देते हैं, बैलेंस देते हैं, हमारे आउटर ईयर सुनने के लिए नहीं यूज होते। तो इसी तरह बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम मुर्गी की बात करें, मुर्गी बनी है या ये चिड़िया है, इन सब की देखिए आउटर ईयर है ही नहीं, इनके इनर ईयर होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि ये कान का रिप्रोडक्शन से क्या मीनिंग है, तो बच्चों ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जिसके आउटर ईयर होते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके आउटर ईयर नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे हमारे स्नैक्स हैं उनके आउटर ईयर नहीं होते तो वो अंडे देते हैं, हमारी फिशेज हैं उनके आउटर ईयर नहीं होते तो वो अंडे देते हैं, हमारी गोट है उनके आउटर ईयर है तो वो बच्चे देते हैं। तो किसी भी जानवर के बाहरी स्ट्रक्चर पर हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन सा जानवर बच्चा देता है। फिलहाल एग बनने के बाद कैसे उससे न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एग का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सबसे पहले ये एग का स्ट्रक्चर है, जैसे जब आप एग जब आप फोड़ेंगे तो अंदर से एक व्हाइट और येल्लो टाइप का लिक्विड निकलेगा, लेकिन अगर हम उसको बॉयल कर दें तो वो पूरा एक सॉलिड हो जाता है। फिर उसको अगर हम बीच ऐसे से काट दें तो उसकी जो ये पूरी सरफेस वो इस तरह से दिखाई देती है। जो हमारे जो आउटर सेल है, जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसे हम निकाल देते हैं मारने के बाद, वो है एग सेल। अगर आप मुर्गी के अंडे को ध्यान करें, जिसको सभी ने देखा होगा, लगभग सबने देखा होगा, कुछ लोग ने उबालते भी देखा होगा, कुछ लोग खाते भी होंगे, तो जो नहीं खाते या जो खाते हैं सब इसको उसको ही ध्यान रखें। जो एग है उसका जो आउटर है उसे एग सेल कहते हैं, वो काइटिन की परत होती है, थोड़ी हार्ड होती है और इतनी भी हार्ड नहीं होती है कि वो फूटे ना, हल्के से टक्कर से वो फूट जाती है। जैसे काकरोच की ऊपरी लेयर जो होती है, काकरोच ऊपर की जो स्किन होती है वो काइटिन की बनी होती है, या चूने का पत्थर जैसा, चूने अगर आप चूने की परत किसी पर लगा दें तो उस पपड़ी को जब आप निकालें तो जिस तरह से वो रहती है उसी तरह से ये एग सेल रहता है, कि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। उसके बाद एग के अंदर एक व्हाइट कलर की परत होती है, उसके ऊपरी परत को व्हाइट कलर का मटेरियल होता है, उसके ऊपरी परत को कहते हैं एग मेम्ब्रेन, और जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है हमारा उसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन के अंदर एक येलो पार्ट होता है योक। तो बच्चों जैसे बीज में सीडलिंग्स रहता था नए प्लांट के लिए, जो फर्स्ट सेल होती थी वो बीज में रहती थी, सीडलिंग नया प्लांट बनता था, उसी तरह योक में जाइगोट रहता है, यानी फर्स्ट कोशिका नए बेबी बनने की फर्स्ट सेल योक में रहती है, और ये पूरे योक में ये फर्स्ट सेल रहती है, जाइगोट उसे कहते हैं, और ये जो पूरा योक है वो जाइगोट को पोषण देता है। जब इस अंडे जब कोई बर्ड या कोई भी एनिमल एग ले कर देता है तो एग ले करने से तुरंत बच्चे नहीं निकलते हैं, एक टाइम होता है, जैसे मुर्गी के अंडे 12 से 16 दिन में निकलेंगे, या अलग चिड़िया सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। तो उतने टाइम तक जो ये जाइगोट है ये यॉर्क से न्यूट्रिशन लेता, क्योंकि बच्चों का न्यूट्रिशन कोई नहीं लेगा तो वो फिर कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि खाना तो सबके लिए जरूरी है, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, इट बिकम डेड, वो मर सकता है या उस मतलब अलाइव नहीं रहेगा। तो यॉक जो है वो जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है और उसमें यॉक डेवलप न्यू बेबी डेवलप करने के लिए यॉक से न्यूट्रिशन मिलता है। और इसी एल्ब्यूमिन में एक एयर शैक भी बना रहता है, मतलब एयर सेक्शन जिससे एयर अंदर जाए, और वो जो मटेरियल है जो जाइगोट है जो न्यू बॉर्न बेबी बनेगा वो न्यू यंग वन बनेगा उसको हवा मिल सके। न्यूट्रिशन तो उसके पास है लेकिन उसको हवा भी चाहिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो उसको पानी नहीं चाहिए लेकिन उसको हवा की जरूरत है, तो इस एयर सेक्शन से उसको हवा मिलती है। तो ये अब हम बात करेंगे
कि एग लेज होने के बाद कैसे न्यू यंग वुमन बनता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बुक पे आना होगा। तो बच्चों जो एनिमल्स एग ले करते हैं, जैसे आप देखो एग्जांपल में बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिशेस, स्नैक, लिजार्ड एंड इंसेक्ट, ये सभी क्या है, एग ले करते हैं। हमारी फिशेस भी एग ले करती हैं। तो ये लोग जब एग ले करते हैं तो अंडों को ये, जैसे जो भी बर्ड्स है, आप बर्ड्स यहाँ पर हैं के फिगर से समझाया गया है क्योंकि इसे हम लोग अपनी लाइफ में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में जाकर या ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमें समझना ज़्यादा आसान होगा। तो बच्चों ये जो बर्ड्स है वो जब एग ले करती है उसके बाद उस एग को इनक्यूबेट करती है, मींस जितने अंडों को, ये अंडों के ऊपर बैठ जाती है और इसको गर्म रखती है। गर्म करने के जब गर्मी पाते हैं तो अंदर जो जाइगोट होता है, योक होता है, वो गर्मी पाकर बच्चों में चेंज होता है और हेच करके अंडे निकलते हैं। तो आपको ये देखिए, द एग आर केप्ट इन अ वार्म प्लेस और पेरेंट्स एनिमल सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, मीन्स जो एग है उसको वार्म प्लेस में रख के भी इनक्यूबेट किया जाता है, या फिर जो पेरेंट्स एनिमल है वो उस एग पर सिट करती है जिससे कि वो अंडे गर्म हो जाए, और गर्म होने पे उसकी जितनी टाइमिंग हो, 2 से 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 12 दिन, तो जितने टाइम होगा, हर बर्ड का अलग अलग होता है इनक्यूबेशन टाइम, तो टाइम जब होगा तो वो फिर उस टाइम पूरा होके अंडे हेच करेंगे और उसमें से बच्चे निकलेंगे। तो जब एनिमल उस पर, जो बर्ड है या एनिमल है उस पर बैठकर उस एग को वार्म करता है तो ये प्रोसेस कहलाती है इनक्यूबेशन। तो देखिए यहाँ पे मुर्गी है, इस बार देखो अंडे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या कर रही है, इसको इनक्यूबेट कर रही है, इसी गर्मी से देखिए ये अंडे हेच हुए, हेच होने के बाद उसी के जैसे यंग मस निकले, अब ये बच्चे बड़े होंगे। तो आपको हमने एग का स्ट्रक्चर जो है बताया कि एग का स्ट्रक्चर अभी मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया एग से स्ट्रक्चर। तो एग जो होता, मैंने एग का स्ट्रक्चर पहले इसीलिए डिस्क्राइब किया कि जो ये योक होता है इसमें एक फर्स्ट सेल होता है, और जब इसमें वार्म दिया जाता है तो यही फर्स्ट सेल बच्चों में बदल जाता है। जैसे हमारे प्लांट में सीडलिंग्स होते हैं, वो एक छोटा प्लांट होता है और फिर वो बड़े प्लांट में बदल जाता है, तो इसी तरह ये जो जाइगोट है, फर्स्ट सेल है, ये बच्चों में बदल जाता है। तो किसी भी एग को ले करने के बाद इनक्यूबेट किया जाता है, इनक्यूबेट करना जरूरी होता है, बिना इनक्यूबेट के ये हैच नहीं हो सकता है। तो जब इनक्यूबेट करेंगे तो हैच करके बच्चे निकलेंगे, अगर इनक्यूबेट नहीं किया जाता है तो ये एग खराब हो जाएगा और बच्चे नहीं निकलेंगे। अब देखिए आपका ये लाइफ साइकिल ऑफ अ हेन। बच्चों हेन का लाइफ साइकिल है, इसी तरह से सभी जानवर की लाइफ साइकिल है, हमारी भी लाइफ साइकिल होती है, हम पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद फिर हम मर जाते हैं। इस तरह प्लांट होता है, आपको हमने लास्ट चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल दिखाया था, कैसे नाइट्रोजन बनती है और वापस फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ऐसे ही देखिए एग, देखिए मुर्गी ने एग दिया, एग हैच हुए, नए बच्चे बने, नए बच्चे चिक्स बने, चिक्स से हैन बना, फिर वापस हैन ने एग दिया, एग से हैचिंग हुई तो नए यंग वंस बने चिकन, फिर वो अरे चिक बने, फिर ये हैचिंग, मतलब हैचिंग में ये न्यू बॉर्न हैन है, और फिर ये चिक बना, डेवलप चिक, और उसके बाद वो हैन बनेंगे, फिर वो, तो इस तरह से एक साइकिल सभी जानवरों की, सभी एनिमल की एक लाइफ साइकिल होती है, जन्म से लेकर मृत लाइफ साइकिल, इसलिए क्योंकि वो जन्म लेता है, अपने जैसे नए बच्चे पैदा करता है और फिर वयस्क बच्चे वयस्क हो जाते हैं और वो मर जाता है, तो इस तरह से एक सर्कल चलता रहता है। तो ये सभी जानवरों की लाइफ साइकिल होती है। बच्चों इस लाइफ साइकिल को आप कौन कौन से फिगर बनाने हैं मैं होमवर्क में बता दूंगी अभी नहीं। उसके बाद फिश ले प्लेंटी ऑफ एग्स इन वाटर एट अ टाइम, आउट ऑफ दिस ओनली अ फ्यू डेवलपमेंट टू बेबी फिश आर सेम ऑफ द एग्स गेट ईटन ऑफ, जनरली दीज एग्स ऑब्टेन वार्म्थ और इनक्यूबेशन फ्रॉम द सन रेज। तो देखिए फिशेज में क्या होता है, ये लोग फ्रेश वाटर में रहती हैं, तो फिशेज जो है वो, ये देखिए फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं, ये तो यहाँ पे फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। तो जो फ्रॉग है वो पानी में नहीं एग देता है, ये क्या करता है,
हल्का कीचड़ टाइप का होता है, वाटरी जो स्ट्रक्चर, वाटरी जो लैंड कह सकते हैं, कीचड़ टाइप का लैंड होता है पानी के आसपास, क्योंकि ये एम्फीबियंस है, जो फ्रॉग है एम्फीबियंस है, ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, ये मछली की तरह केवल इसको पानी में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, जो थोड़ा बहुत दलदली एरिया होता है वहां पे ये अपने एग देता है और वहीं पर ये इस पे बैठता है, और वहां पे उसका जो ये इम्ब्रो है वो एग वहीं पर इसको वार्म मिलता है, और फिर ये जैसे एडल्ट एग है जो इसने अंडे दिए, अब ये अंडे कभी कभी दलदल में देता है, अगर पानी में भी देता है तो ये अंडे बहकर दलदल में फंस जाते हैं, जहां भी कहीं बहते पानी में तो ये इसको हेच नहीं कर सकता, तो ये दलदल में फंस जाते हैं, तो वहां पर ये इसको वार्म देता है, इनक्यूबेट करता है, फिर वहां से ये इस तरह से टैटपोल्स निकलते हैं, छोटे छोटे मेंढक, और टैटपोल्स जो हैं यंग एडल्ट के बाद एडल्ट में बदल जाते हैं, और जो फिशेज होती हैं वो फ्रेश वाटर में ही अंडे दे देती हैं, उनके अंडे सरफेस पे तैरते रहते हैं और सनरे से इनक्यूबेट होते हैं, फिशेस अंडों को इनक्यूबेट नहीं करती क्योंकि वो ना दलदल में रह सकती, वो पानी में ही रह सकती, पानी में तो अंडे तैरते रहेंगे, तो वो सनरेज से इनक्यूबेट होते हैं, और फ्रॉग अगर पानी में अंडे देता तो वो बह के दलदल में चले जाते हैं, अगर दलदल या सूखी थोड़ी मर्सी टाइप मर्सी लैंड हो, वाटरी लैंड हो, वहां पर वो अंडों को इनक्यूबेट करता है। तो देखिए फिश वाला आपका लिखा है, इनका जो इनक्यूबेशन होता है वो सनरेज से होता है, और बाकी जितने जानवर हैं वो सभी अपना एग को इनक्यूबेट खुद करते हैं, और जब हम लोग इसको कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं, जैसे हम लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो हेन को उसके लिए कमर्शियली प्रोसेसिंग अपनाई जाती है, कमर्शियली सिस्टम बनाया होता है, वहां इतनी हीट पैदा की जाती है कि अंडे इनक्यूबेट हो जाते हैं और हेच हो जाते हैं। तो आपको फ्रॉग को बताएं, जो फ्रॉग का जो, हाँ एक बात और है, फ्रॉग के अंडे जो होते हैं वो उसके साथ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भी साथ में ये प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि अंडे आपस में एक ही में चिपके रहते हैं। ये देखिए फ्रॉग आल्सो ले फिश भी इसी तरह अंडे देती, उनके अंडे आपस में हजारों की संख्या में अंडे आपस में चिपके रहते हैं। फ्रॉग ऑल्सो ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग, और ये लोग अंडे बहुत ज्यादा संख्या में देते हैं। वाटर दीज एग अपियर इन अ लार्ज क्लस्टर ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसे स्पॉन कहते हैं। ये एक जेली टाइप में चिपचिपे लिक्विड में चिपके रहते हैं, जिसे स्पॉन कहते हैं। फिर ये स्पॉन जब इसे ये फ्रॉग ये स्पॉन को फ्रॉग ये एम्ब्रियो या स्पॉन को जब ये एडल्ट जो है इनक्यूबेट करता है, तो ये हेच होकर पहले टेडबॉल बनते हैं, टेडबॉल से यंग एडल्ट और फिर फ्रॉग बनते हैं। तो ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। तो बच्चों अब आपको ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल या ग्रास ऊपर या कॉकरोच, क्योंकि ये हमारे इंसेक्ट्स हैं तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जो एनिमल्स बेबीज देते हैं इनका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब शेयर करूंगी, और आपको आपकी इस वीडियो के साथ जो आपका ये चैप्टर थर्ड का ये वाला वीडियो है, इसके साथ आपको जो है क्लास सेकंड का होमवर्क दिया जाएगा, जो आपको अरे सॉरी चैप्टर सेकंड का वीडियो दिया जाएगा, जिसे आप चैप्टर सेकंड में करेंगे, और चैप्टर थर्ड में आप एग का फिगर और लाइफ साइकिल ऑफ हैन और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, आप ये तीनों फिगर चैप्टर थर्ड में बनाएंगे, जिसे मैं होमवर्क में आपको दे दूंगी। तो केयरफुली डू डन योर होमवर्क, गुड लक, थैंक यू।